हज्जाज इब्ने यूसुफ सकफी सफर कर रहा था। एक दफा दौरान सफर उसने देखा कि एक नौजवान है जिसके पास बहुत सारे जानवर हैं, शेफर्ड है, और वो जानवरों को लेकर जा रहा है पहाड़ों पर, उन्हें फीड कर रहा है। रोका, कहने लगा, इतने सारे तुम्हारे पास जानवर हैं, एक मुझे दे दो, हमें खाना बनाना है। उस नौजवान ने कहा, ऐ हज्जाज मैं ये नहीं कर सकता। पूछा क्यों? कहने लगा, क्योंकि ये मेरे नहीं है, मालिक ने मुझे दिए हैं, मैं तो यहाँ इन्हें फीड करने के लिए आया हूँ, वापस मैंने सारे के सारे जानवर कर देने। जब हज्जाज ने ये सुना तो उसने कहा, ये कोई 100-200 जानवर हैं, तुम जाकर कहो कि एक पहाड़ों में पता नहीं कहाँ गुम हो गया, मुझे क्या पता, मैं कितना ख्याल रखता। तो उस नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मिल्कियत दुनिया। कहने लगा, ऐ हज्जाज तेरे नजदीक इनका मालिक कौन है, वो जो फलां जगह बैठा है जिसको मैंने हिसाब देना है, या वो जो यहाँ देख रहा है? बस मैं जवाबदेह उसके सामने, वो मालिक है, मैंने उसको बताना है कि ये हकीकतन मैंने कितना माल कहाँ कैसे लगाया। बस मोमिन जो है वो दुनिया की आरजुओं या दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे अपनी प्रायोरिटीज को ख़त्म नहीं करता। एक जानब फिरौन है, दूसरी जानब मूसा है। हम जानते हैं फिरौन कैसी लग्जोरियस जिंदगी गुजार रहा था, उसके पास कैसा कसर, कैसा महल, कितने गुलाम, कितनी दौलत थी। मूसा के चाहने वालों से कहा, अगर आप फिरौन के मुकाबले हैं तो आपका भी घर आपके शायान निशान होना चाहिए। नबी खुदा है, अल्लाह ने जमीन और आसमान के खजाने तो आपके इख्तियार में रखे हैं, ए हजरत मूसा आप क्यों नहीं अपने लिए बेहतरीन महल बनाते, आपका भी आपके शायान निशान एक कसर होना चाहिए। हजरत मूसा ने कहा, बनाओ जो बनाना है, इख्तियार है, सिर्फ एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि जो घर बनाना मेरे लिए बड़ा सा अच्छा सा मेरा जो पैलेस हो वो पानी के ऊपर बनाना। सबने कहा, या नबी खुदा इतनी तकलीफ उठाएं और पानी के ऊपर बनाएं, कोई फायदा नहीं। हजरत मूसा ने कहा, यही तो समझाना चाहता हूं कि इन चीजों से दिल वाबस्ता करना, इन चीजों से दिल बांध लेना कोई नफा नहीं रखता। दुनिया एक ब्रिज की तरह है, एक पुल की तरह है, इससे गुजर जाओ, इस पर खड़े ना रहो। मोमिन इसे रास्ता समझता है, मंजिल नहीं समझता। मोमिन के लिए आरजू तमन्ना ये नहीं है कि वो इसी दुनिया के अंदर रहे, और यही वजह है कि अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, जिसकी ख्वाहिशें, जिसकी डिज़ायर्स, जिसकी दुनिया तलबी, जिसकी वर्ल्डली डिज़ायर्स ज़्यादा हो जाती हैं, उसके गुनाह ज़्यादा होंगे।